बहनों भाइयों नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है कि नहीं? लेकिन इन दिनों में मैंने आपके लिए कुछ सोचा है और बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सांझा रेडियो और यस टीवी पर, और इस प्रोग्राम का नाम तो आप जानते ही हैं, जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और मैंने भाइयों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खास तौर पर एक प्रोफेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में लोग अक्सर ज्यादा नहीं सोचते। हम अक्सर मेडिकल, नॉन मेडिकल और जो इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं, एमबीए है या फिर इस तरह के जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, इनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर हम एक खास चीज के बारे में सोचें तो हो सकता है कि हमें एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिले। बहनों भाइयों, मैं टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। जी हाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री जिसका कमाल का एक आंकड़ा देखने के लिए आया पिछले साल। बहनों भाइयों, पिछले साल यानी कि 2018 में 10 लाख ज्यादा टूरिस्ट आए हिंदुस्तान में घूमने के लिए। जी हाँ, 10 लाख ज्यादा आए, मतलब जितने टूरिस्ट आते थे उनमें इजाफा हुआ 10 लाख टूरिस्ट का। और बहनों भाइयों, ये जो टूरिस्ट हैं इनके जो फेवरेट स्पॉट्स जो हैं वहां पर तो ये गए ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेवलिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने इनको और भी ज्यादा ऑप्शंस बताए। मतलब ये कि जिस प्रकार से हम नहान की बात करते हैं, जी हाँ, नहान एक ऐसी जगह है हिमाचल प्रदेश में जहां पर की 40 टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जो कि देखे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा फेमस है ये टूरिस्ट स्पॉट्स, जिनमें रिजॉर्ट्स हैं, मंदिर हैं और लेक्स हैं और ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जो कि देखी जा सकती है। तो मेरे भाइयों, इस इंडस्ट्री में यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आप चाहें तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसमें पैसा बहुत अच्छा है और आपको मैं ये बता दूं कि इस साल करीबन हजारों ऐसी नौकरियां हैं जो कि निकली हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, और इसमें बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के, उन लोगों को आप बहुत सारी चीजें गाइड कर सकते हैं और उससे पैसा भी अच्छा कमाया जा सकता है। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब टूरिस्ट जो है वो आते हैं यहाँ पर तो ये इम्प्रेशन लेकर आते हैं कि भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, भगवान का देश है, यहाँ पर कल्चर है, सभ्यता है, आचार है, विचार है, सब चीजें हैं यहाँ पर। तो वो लोग एक श्रद्धा भाव लेकर आते हैं, उत्सुकता से आते हैं, तो हमें उनके सामने ऐसा बिहेव नहीं करना है कि वो बुरा इम्प्रेशन लेकर बाहर के देशों में जाए। जी हाँ, हमें उनके सामने इस तरह व्यवहार नहीं करना है कि वो ये सोचे कि हम तो हिंदुस्तान को क्या समझ कर आए थे और क्या निकले। बहुत से लोग भीख मांगते हुए यहाँ दिखाई देते हैं, बहुत से लोग थूकते हुए दिखाई देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी ड्राइविंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये तो चलन बहुत ज्यादा चल पड़ा है कि ट्रैफिक के रूल्स की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, और ये सारी चीजें अगर हम दिखाएंगे विदेशियों को तो वो बहुत बुरा इम्प्रेशन लेकर जाएंगे। इसलिए बहनों भाइयों, ये याद रखिए कि अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो हमें लोगों का स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, उनके सामने ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो अच्छा इम्प्रेशन लेकर वापस जाएं। तो बहनों भाइयों, टूरिज्म इंडस्ट्री में आप आजमा कर देखिए अपना हाथ, और अगर चाहे तो उसमें अपना करियर बना के आप बहुत अच्छे सफल इंसान बन सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम से मैं लेना चाहूंगा विदा, और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगले एपिसोड में कुछ और अच्छी बातें होंगी आपके अपने यस टीवी पर और सांझा रेडियो पर, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।